नमस्ते प्रिय दर्शकों, आप कोई भी एक सवाल पूछिए डिवाइन टैरो डेक से। ये एक शॉर्ट वीडियो है प्रिय दर्शकों, आप कोई भी सवाल पूछिए और डिवाइन टैरो डेक आपको ये जवाब देगी कि आपका सवाल हाँ है या ना, मतलब आपके सवाल का जवाब हाँ है या ना है, ठीक है ना, येस और नो। इसका मतलब ये है प्रिय दर्शकों कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है या शर्त है। वो क्या है कि आप जो जो भी सवाल डिवाइन टैरो डेक से पूछेंगे, वो सवाल एक ऐसा सवाल होना चाहिए जो आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव के बारे में हो, एक सकारात्मक बदलाव के बारे में हो, आपके जीवन से जुड़ा हुआ। नकारात्मक चीज़ों के बारे में मत पूछिएगा, ठीक है ना, तो फिर आपका जवाब जो है वो शायद गलत आ सकता है। तो आप कोई भी सकारात्मक बदलाव के बारे में पूछिए आपके जीवन से जुड़ा हुआ, मतलब आपके जीवन के बारे में, चाहे वो आपकी शिक्षा से जुड़ा है, चाहे वो आपकी नौकरी से, आपके प्रोफेशन से, करियर से, व्यवसाय से, बिजनेस से जुड़ा है, या चाहे वो आपके रिश्ते से जुड़ा है, चाहे वो आपकी शादी से जुड़ा हो सकता है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है। तो कोई भी सवाल पूछिए, ठीक है ना, आप अपने रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो कोई भी सवाल पूछिए एक पॉजिटिव बदलाव के बारे में, वो बदलाव आपके जीवन में आएगा या नहीं, या कोई पॉजिटिव चीज़ आपके साथ होगी या नहीं, इस बारे में आप डिवाइन टैरो डेक से पूछिए। आपके साथ या किसी और के साथ भी वो पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव वे में आप पूछिए। आप किसी और के लिए भी पूछ सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर के लिए पूछ सकते हैं, आपके फ्रेंड के लिए पूछ सकते हैं, किसी के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव के बारे में पूछिएगा, है ना। तो मैं डिवाइन टैरो डेक से पूछ लेती हूँ, आप सवाल को जल्दी जल्दी सोच लीजिए अपने मन में, ठीक है ना, और फिर मैं डिवाइन टैरो डेक से पूछती हूँ उसका जवाब हाँ होगा या ना। डियर टैरो डेक, जिन लोगों ने भी सवाल पूछा है, आप प्लीज़ बताइए कि उनके सवाल का जवाब हाँ है या ना है। डियर टैरो डेक, जिन लोगों ने भी अभी सवाल पूछा है, प्लीज़ मुझे बताइए उनके सवाल का जवाब हाँ है या ना है। जिन लोगों ने भी अपने जीवन के एक सकारात्मक बदलाव के बारे में सवाल पूछा है, उनके सवाल का जो जवाब है वो हाँ है या ना है। डियर टैरो डेक, इज इट अ येस और अ नो, सवाल का जवाब हाँ है या ना है, इज इट अ येस और अ नो। ओके प्रिय दर्शकों, सवाल का जो जवाब है वो देखिए, इतना अच्छा कार्ड, लेकिन ये रिवर्स आ गया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन ये कार्ड देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रिवर्स आ गया है, रिवर्स पोजीशन में आया है। इसका मतलब ये है कि आपके सवाल का जवाब, जो भी आपने सवाल अभी पूछा था डिवाइन टैरो डेक से, तो उस सवाल का जो जवाब है वो ना है, ठीक है ना। कभी कभी प्रिय दर्शकों ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि वो अगर हो जाए हमारी ज़िंदगी में तो क्या बात है, मतलब एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव मेरे जीवन में आ सकता है अगर वो घटना हमारे साथ घट जाए, ऐसा हमें लगता है। तो आप बुरा मत मानिएगा, हर एक के साथ ऐसा नहीं होगा जिन लोगों ने भी सवाल अभी अभी पूछा है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कभी कभी कुछ लोग या किसी किसी लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, वो अगर मेरी लाइफ में हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, ये एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव मेरे जीवन में आ जाएगा, लेकिन फिर बाद में आगे चलकर उनको ये पता चलता है कि जो वो चाह रहे थे या जिसकी वो कामना कर रहे थे, उसकी इच्छा या अभिलाषा उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ये उनको आगे चल के ही पता लग पाता है। इसका मतलब ये है कि डिवाइन टैरो डेक या जो परमात्मा है, जो ऑलमाइटी है, भगवान हमारे लिए जो सोचते हैं, जो ऑलमाइटी गॉड है, वो हमारे लिए जो भी सोचते हैं वो हमारे भले के लिए सोचते हैं। तो शायद ये सोचकर आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं। और अगर आपने वाकई में ऐसे किसी चीज़ के बारे में पूछा था जो सचमुच बहुत सकारात्मक है, और तब ठीक है, तो भी आप निराश मत होइए। तो
तो अगली बार मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का जवाब हाँ होगा। तो प्रिय दर्शकों, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये जो कार्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है मैं संक्षिप्त में आपको बता देना चाहती हूँ। ये जो कार्ड है, देखिए ये कार्ड स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है वो नॉलेज को दर्शाता है, ठीक है। आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को, शिक्षा को, आपके आइडियाज़ को, आपकी सोच को दर्शाता है। तो ये कार्ड अब रिवर्स आ गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, जो भी आपने पूछा है, तो शायद आपको और ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने की ज़रूरत है, या फिर आपकी जो सोच है उस सोच को शायद आपको थोड़ा सा बदलना चाहिए शायद, या फिर आपकी जो सोच है, आपकी आपकी जो आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ को आपको क्या करना है, अच्छी तरह स्ट्रक्चर करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ताकि आप अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह यूज़ कर पाएँ, उन्हें अप्लाई कर सके अपने आइडियाज़ को, ठीक है ना। आइडियाज़ को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं प्रिय दर्शकों, अपने प्रोफेशन में या अपने रिलेशनशिप में ज़िंदगी में, आइडियाज़ सबके पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आइडियाज़ सबके पास होते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को समझ के, ठीक है, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो शायद इस बात पे आपको ज़्यादा जोर देना चाहिए, ताकि आप अपने प्रोफेशन में उन्नति पा सके। और अगर आपने रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछा था, तो शायद आपके अपने जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है, तो कोशिश कीजिए कि आप में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो मतभेद की स्थिति है, वो स्थिति सुधर जाए, और आप दोनों में जो भी आपकी जो सोच अगर नहीं मिलती है, तो फिर एक दूसरे से बात करके जो समस्या है उसे समझ के उसे सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये कार्ड वो भी दिखाता है। तो अगर आप दोनों की सोच एक समान हो गई, या फिर अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता अगर पॉसिबल है, आप दोनों को एक समझौते की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तो फिर ये आपके रिश्ते के लिए, अगर आपने रिश्ते का सवाल पूछा था, तो आपके रिश्ते के लिए ये बहुत पॉजिटिव होगा। तो फिर आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव बदलाव ज़रूर आ सकता है। और प्रोफेशन में अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह अप्लाई कीजिए प्रैक्टिकली, और अगर आपको नॉलेज या कोई शिक्षा अर्जन करने की ज़रूरत है, नॉलेज अक्वायर करने की ज़रूरत है, तो फिर नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज आपको ताकत देगी प्रिय दर्शकों, जो भी आपको जानकारी हासिल करनी है, अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह स्ट्रक्चर करना है, वो कीजिए, ताकि आप अपने प्रोफेशन में उन्नति प्राप्त कर सकें। तो प्रिय दर्शकों, आज की रीडिंग में इतना ही। तो मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।